कहानी का नाम पक्षी। ऊपर आकाश में हमें तरह तरह के पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हमारे घर के आसपास भी कई पक्षी रहते हैं। कुछ पक्षी ऊंचा नहीं उड़ सकते, जैसे मोर, मुर्गा और बतख आदि। कुछ पक्षियों की उड़ान तेज होती है, जैसे चील, बाज, कौआ, कबूतर, तोता और उल्लू। पक्षियों के दांत नहीं होते, चोंच होती है। हर पक्षी की आवाज, चोंच की बनावट, पंखों का रंग और पंजों की बनावट अलग अलग होती है। सभी पक्षियों की भोजन संबंधी आदतें भी अलग अलग होती हैं। कुछ पक्षी शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी। तोता, मुर्गा और कबूतर ये हमारे घरों की शोभा बढ़ाते हैं। पुराने जमाने में कबूतर हमारे संदेश पहुंचाने का कार्य भी करते थे।